सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने पश्चिमी यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार किया। उन्होंने कई मुद्दों पर विपक्ष की घेराबंदी की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और पीएम मोदी ने कांग्रेस और एसपी पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उन दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता कि काठ की हांडी को ये लोग कितनी बार चढ़ाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ा। कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा। दरअसल खड़गे ने जयपुर में रैली के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में आकर धारा 370 की बात करते हैं, यहां के लोगों का कश्मीर से क्या वास्ता है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यह सुनना शर्मनाक है कि कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कश्मीर से क्या वास्ता है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह प्रत्येक राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का शेष भारत पर अधिकार है। कांग्रेस को यह नहीं पता कि कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए राजस्थान के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस नेताओं की गलती नहीं है। भारत के विचार को न समझ पाने के लिए अधिकतर कांग्रेस पार्टी की इटालियन संस्कृति ही दोषी है। ऐसे बयानों से हर उस देशभक्त नागरिक को ठेस पहुंचती है जो देश की एकता और अखंडता की परवाह करता है। जनता कांग्रेस को जरूर जवाब देगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एक और दिन कांग्रेस का एक और रत्न। खड़गे जी उस विशिष्ट कांग्रेसी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं जो चाहती थी कि जम्मू कश्मीर शेष भारत से कटा रहे। उन्हें यह भी नहीं पता कि जिस अनुच्छेद की बात हो रही है वह अनुच्छेद 370 है, 371 नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा और धारा 370 को हटाना राष्ट्रीय गौरव और भारत की एकता और अखंडता से बहुत जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ऐसी भावनाओं को कभी नहीं समझेगी। दरअसल खड़गे ने जयपुर में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी राजस्थान में आकर धारा 370 हटाने की बात करते हैं, यहां के लोगों का कश्मीर से क्या वास्ता। अरे मैंने 371 को निकाल दिया, अरे भाई यहां के लोगों से क्या वास्ता है। ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।